एक्सरसाइज का आगे क्वेश्चन नंबर 9 11.2 से पहले ये करते हैं अपन। तो 11.2 का जो अपन ने एग्जांपल किया था फिफ्थ, वो सेम क्वेश्चन डायग्राम वो सेम है, उसमें समलंब सिद्ध करना था, इसमें समलंब दिया हुआ है। तो समलंब चतुर्भुज एबीसीडी के अंदर ए बी और सी डी तो समांतर दी गई है और विकीर्ण है वो बिंदु पर इसके प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध क्या करना है, ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ, ये आपको सिद्ध करना है। अब यहां पे जो रचना सेम उस एग्जांपल की तरह, ये ओ ई समांतर ए बी या सी डी किसी के भी खींचो, क्योंकि ये दोनों तो समांतर है, तो अगर आप ओ ए बी के समांतर खींचो चाहे डी सी के, तो ये आपस में तीनों ही समांतर होगी। तो यहां पर आपको डायरेक्टली समांतर मिल रही है दोनों त्रिभुजों में। तो जो उदाहरण नंबर 5 में अपन ने किया था वो सेम का सेम उन दोनों त्रिभुजों में, वहां तो एक में थेल्स का विलोम लगा था, यहाँ पे समांतर वाली कंडीशन बन रही है, तो दोनों में आपको थेल्स प्रमेय लगानी है। तो त्रिभुज पहले अपन ए बी सी ले लेते हैं जिसमें ये समांतर है, तो समांतर है इसके, तो आप यहाँ थेल्स प्रमेय लगा सकते हो, आप चाहो तो ए बी और इस सी डी दोनों के समांतर लिख सकते हो। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी के अंदर ओ ई समांतर है किसके, ए बी के, ये समांतर है, आपने किससे किया है, रचना से किया है, तो थेल्स प्रमेय लगाओगे यहाँ पे, तो थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से वो भी सिद्ध करना को देखकर जल्द लिखेंगे, ए ओ बटा बी ओ आ रहा है तो आप ये ऐसे लगा दो, ए ओ बटा में सी ओ, तो इस साइड से बी ई बटा में ई सी, ए ओ बटा में सी ओ बराबर बी ई बटा में ई सी, ये समीकरण नंबर हो गई 1। अब दूसरा त्रिभुज अपन ये ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं जिसमें ओ ई समांतर किसके, सी डी के है, वो कौन से त्रिभुज में है, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में ओ ई समांतर किसके, सी डी से, ये भी रचना से है क्योंकि ये वाली भुजा इसके समांतर है तो ये ऊपर वाले के भी समांतर है क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर दिया हुआ है। तो ओ ई समांतर सी डी के है तो यहां भी थेल्स प्रमेय लगाओगे, तो थेल्स प्रमेय में बी ओ बटा में डी ओ और इधर से बी बटा में ई सी, ये लगाओ, क्योंकि बी बटा में ई सी दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो बी ई बटा में ई सी लगाओ, अदरवाइज आप अगर सी ई बटा ई बी लगाते हो तो फिर आपको वापिस उसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा, तो वो इस साइड से लगा दो, बी ओ बटा में डी ओ, बी ओ बटा में डी ओ बराबर बी ई बटा में ई सी, बी ई बटा में ई सी, ये समीकरण नंबर हो गई 2। तो समीकरण नंबर 1 व 2 के राइट साइड बराबर है बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी, तो समीकरण नंबर 1 व 2 की कंपेरिजन करोगे तो इनकी लेफ्ट साइड भी बराबर होगी, समीकरण 1 व 2 से ए ओ बटा में सी ओ किसके बराबर आ जाएगा, बी ओ बटा में बी ओ बटा में डी ओ, लेकिन आपको सिद्ध क्या करना है, ए ओ के बटा में बी ओ लेकर आना है, तो इनके जो अंश और हर है वो वज्र गुणा करो तो सेम, और ए ओ गुणा गुणा डी ओ से करो तो ए ओ गुणा में डी ओ, तो ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, ए और डी ओ हो सकते हैं, बी और सी हो सकते हैं, ऐसा समझ में नहीं आया तो आप इनका वज्र गुणा कर लीजिए, तो ए ओ का गुणा डी ओ से होगा और सी ओ का गुणा बी ओ से होगा। अब आपको ए ओ के बटा में बी ओ चाहिए तो बी ओ को इधर ले आइए, तो ये डी ओ को इस साइड भेज दीजिए, तो ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ, ये सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूव। तो उदाहरण नंबर 5 और एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, उसमें एक में थेल्स प्रमेय लगती है और एक में थेल्स का विलोम लगता है, इसमें दोनों त्रिभुजों में थेल्स प्रमेय लगती है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन है 6 नंबर के लायेगा, 6 नंबर में पूछ सकते हैं, पीछे पूछे हुए नहीं है तो वो एग्जांपल एक बार सप्लीमेंट्री में पूछा हुआ है 18 के अंदर, तो दोनों क्वेश्चनों का आप ध्यान से कीजिए।